गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे खेतों में काम करने वाले किसानों से लेकर तेज आग के सामने काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। निर्बल या कमजोर व्यक्तियों में इसका खतरा अधिक रहता है। लू लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। लू लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है, जिससे सिर में भारीपन मालूम होने लगता है और नाड़ी की गति बढ़ने लगती है। साथ ही खून की गति भी तेज हो जाती है, सांस की गति भी ठीक नहीं रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। हाथ और पैरों के तलुओं में जलन सी होती रहती है, आंखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी, रोगी की मौत भी हो सकती है। युवाओं की तुलना में बच्चे और वृद्ध इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। गर्मी की घबराहट कभी कभी हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर देती है और शरीर के साथ दिमाग भी इसकी चपेट में आ जाता है। इसी प्रकार मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति भी गर्म हवाओं की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तेज धूप और गर्मी में नंगे बदन रहने से या फिर खेतों में काम करने वाले लोगों को इसकी आशंका ज्यादा रहती है। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होने लगती है। श्वास लेने में कठिनाई के साथ नब्ज की गति बढ़ जाती है, मसल्स में खिंचाव लगता है, शरीर टूटने लगता है और प्यास बढ़ जाती है। कई बार बुखार 105 या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। ये इमरजेंसी की स्थिति होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और लीवर किडनी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। तेज गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसी मौसम में अस्पताल आने वाले रोगियों में सबसे ज्यादा तादाद इसी रोग से ग्रस्त रोगियों की होती है। इसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं। नोरोवायरस, रोटावायरस और एस्ट्रोवायरस जैसे बैक्टीरिया पैदा होने पर ये बीमारी फैलती है। अक्सर दूषित पानी और खाने से ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचकर 48 घंटे में संक्रमण फैला देते हैं। इनसे आंतों में हुआ संक्रमण डायरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। हालांकि हैजा जैसे रोग भी इसी समय होते हैं। कपकपाहट के साथ तेज बुखार आना यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमण गर्मी में होने वाली सामान्य बीमारी है। गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया ब्लैडर में प्रवेश कर जाते हैं। ये रोग महिलाओं को ज्यादा सताता है। कपकपी के साथ तेज बुखार, ब्लैडर के आसपास दर्द, बार बार पेशाब आना और उस एरिया में जलन की शिकायत इस संक्रमण से होती है। ज्यादा संक्रमण होने पर भूख नहीं लगती। ग्रीष्म काल में चूंकि पसीना अधिक आता है, इसलिए शरीर का पानी अधिक मात्रा में खर्च होता है। यदि पानी की आपूर्ति ना हो तो शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार शीतल जल एक अमृत पेय है। घर से निकलने से पहले खूब पानी पिए, ताकि शरीर में उसकी कमी ना रहे। पानी के अतिरिक्त इस मौसम में शरबत, गन्ने का रस, लस्सी आदि का भी सेवन करना चाहिए। एक दिन में कम से कम 12 ग्लास पानी अवश्य पिए। ताजे फलों का रस, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ आदि पीने से शरीर को स्फूर्ति के साथ साथ भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी। साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे मिनरल्स और विटामिन्स। ठेलों पर बिक रही खाने की चीजों से दूर रहे और तला भुना, ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन ना करे। गौरतलब है कि देर तक खुले रखे सामान में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो पेट में जाकर संक्रमण फैलाते हैं। गर्मियों में छाछ का सेवन न सिर्फ शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, बल्कि बहुत अधिक प्यास को शांत करने के लिए एक शानदार पेय है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दिन में 2 बार छाछ का सेवन करें, इससे आपको बेहतर महसूस होगा। पानी में नींबू और नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पीते रहने से लू लगने का खतरा कम रहता है। धूप में बाहर जाते वक्त खाली पेट नहीं जाना चाहिए। जानकारों के अनुसार सब्जियों के सूप का सेवन करने से भी लू से बचा जा सकता है। गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करना चाहिए एवं भोजन में दही को शामिल करना ना भूले।
मौसमी फल और सब्जियों का सेवन फायदेमंद साबित होता है। लौकी, करेला, तोरी, कद्दू, खीरा, टिंडा जैसी गर्मियों की सब्जियों का सेवन करें। खीरा, पुदीना, तरबूज, मौसमी, संतरा आदि भी शरीर को ठंडा रखते हैं।